कहते आज लेट ही उठे हैं, 10:15 हो रहे हैं, मतलब उठ तो सुबह जल्दी गई थी पापा का नाश्ता वास्ता बना के, दोबारा सो जाती हूँ, छुट्टियाँ चल रही है सिद्धार्थ की, सो इसलिए। और वेलकम बैक टू जानवी एंड की शर्मा ब्लॉग, कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे एंड आप सभी को हैप्पी दशहरा। और गाइस आज आपके लिए आएगा स्पेशल दशहरा ब्लॉग और अच्छा ब्लॉग आएगा, तो ज़रूर देखना, ज़रूर प्यार करना और ज़रूर 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 लाइक शेयर एंड कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कुछ नहीं कुछ नहीं जाता आप लोगों का लाइक कमेंट करने में, सो कर दिया करो। और हाय गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग कैसे हो आप, मॉर्निंग हेलो कैसे हो गाइस, कैसे बोलो, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, हाँ हैप्पी दशहरा, बोलो हैप्पी दशहरा, मेले में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, भोपू खरीदेंगे, भोपू बोले तो वो आता ना, सिद्ध हटो ना मत करो भी, वो आता ना बाजा 10-20 रुपए का जो आता है, मुझे वही पसंद है, हर साल मेले से मैं वही लेती हूँ, अब बजाती भी आती हूँ पूरे रास्ते। तो दिखाते हैं अब आज की पूजा वगैरह हमारे कैसे रीति रिवाज के साथ होती है, ठीक है, तो बने रहिए ब्लॉग। गाइस उठ के बाहर आ गए ड्राइंग रूम में और यहाँ सारा फैला हुआ है, ये देखो फैला हुआ है ना, अब ये सब बिस्तर समेटेंगे, तय लगाएंगे इनकी, और फिर पूजा की भी तैयारी करनी है। और खाने में मुझे आज धुली हुई उड़द और पीली दाल बनती है, धुली हुई उड़द की दाल, और चावल बनेंगे, रोटी बनेगी, पूरी पूरी नहीं बनेगी, और लौकी का रायता बनेगा, आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी, ठीक है, बाकी जैसा होगा रेसिपी वगैरह दिखाती हूँ, बने रहिए ब्लॉग में, एक खिलारा समेट लूँ, फटाफट फ्री होने के बाद रेडी होके आप लोगों से मिलती हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी नहा के और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, खाने में बना रही हूँ आलू गोभी, ये आलू गोभी काट के रखी हुई है, अब हाँ गोभी मटर काट के रखे हुए हैं और अब आलू काट के बनाती हूँ, हाँ भाई सिद्धू भी रेडी है, देख लो बता दो सिद्धू कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है, तो मिलती हूँ, कुकिंग टाइम बाल बाल बांधू कुकिंग कर, अरे कच्चा भी देख लो भाई इसका, लो भाई दिखा दो, पॉकेट भी है, पॉकेट देख लो गाइस, अब बोलने लगा है ना तोता मेरा, तो बोलता है, तो मिलती हूँ कुकिंग टाइम पे, ठीक है। मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है और डाल दी मैंने हरी मिर्ची के साथ ही डाल दिया जीरा, तोते धीरे बोल हरी मिर्ची हो गई है, अब हम डालेंगे टमाटर, आप लोगों को पता टमाटर के साथ में डाल देती हूँ नमक, अब आप लोग सीखे हो मेरी रेसिपी को, सिंपल होगा, डाला नमक, डाली हल्दी, डाली मिर्ची, सब स्वाद अनुसार जितना आपके घर में चलता हो नमक मिर्च मसाले उतना ही, धनिया पाउडर, होममेड मसाला, हल्का सा उसमें करेंगे पानी ऐड, क्योंकि मैं कैमरे में नहीं आ पाती हूँ ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा दूर खड़ी हूँ। और गाइस बताना ड्रेस कैसी लग रही है, ये देखो पीछे हो जाए बेटा, तेल आएगा, हाँ तेल गिरेगा ना, इतना खाना बनाता है भाई मम्मी के साथ खाना, आप देख सकते हो गाइस मसाले ने धूप पड़ रही है ना तो क्लियर दिख नहीं रहा, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, ये देखो इसी के साथ डालूंगी मैं आलू गोभी मटर, आलू गोभी मटर बहुत बोलने लगे हो सिद्धार्थ, समझ नहीं आता बोलता क्या है, तो बोलने से मतलब है, ले ली गई उसने छन्नी, अब इसको हम थोड़ा ढक देंगे, अब ढक के बनेगी सब्जी, गैस सिम कर देंगे, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, एक तरफ दाल डालूंगी, दाल भीग रही है इधर, ये दाल भीग रही है, यह है उड़द की और मूंग की दाल धुली हुई, सो भी से बनाऊंगी कुकर में, उबालती हूँ, मिलती हूँ कुछ, उधर इसकी इधर बन के सब्जी, उधर उबल रही है दाल और इधर मैं छिल रही हूँ लौकी,
क्योंकि बनेगा लौकी का, बनेगा लौकी का रायता। लौकी के रायते की रेसिपी देखनी है आप लोगों को, मैं भी फर्स्ट टाइम बनाऊंगी। पड़ा भी है बट मैं कैसे कर लूं, तो मिलूं मैं आपको कद्दूकस करके। यहां लौकी को मैं छान रही हूं, छान के इसमें इसका हमने पानी निचोड़ रहे हैं। और ये रखी हुई बगल में दही, तो हम इसको डालेंगे दही में। ये पानी खा देंगे, बाउल छोटा पड़ गया ना थोड़ा, बाउल को कर लेंगे थोड़ा। नमक, हल्की सी मिर्ची, बाकी लास्ट में देखना क्या है। तो इसे अच्छे से मैश कर देंगे। सो गाइस ये हो गया, देखो जीरा ब्राउन अभी गर्म है बेटा, वही ना गर्म गर्म इसमें अच्छे से करेंगे मैश ऐसे करके। हाथ खराब होते हैं बट कोई ना, बहुत गर्म है। गाइस ये है रायते की रेसिपी, ठीक है कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी। सो गाइस यहाँ छोंकने जा रही हूँ दाल, डालेंगे हींग, डालेंगे हरी मिर्ची, जीरा, एक जूस खोल लेंगे, इसमें डालेंगे टमाटर। गाइस एक महीना हो गया प्याज छोड़े हुए, पहले श्राद्ध थे अब नवरात्र थे, अब ये सब चल रहा है तो वैसे ही प्याज खाए जा रहे हैं। बिना प्याज के खाना ऐसा नहीं है कि टेस्टी नहीं बनता, खाना टेस्टी बनता है बिना प्याज के। अब बेसिक मसाले हैं गाइस, हल्दी डाल दी मैंने, बेसिक मसाले हैं हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, ये चार मसालों का यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादातर, बाकी कुछ हल्का सा पानी ऐड करूँगी। ओवन करो, छोड़ दिया तेल मसालों ने, डालेंगे अब दाल। ओ गाइस मैं हरा धनिया वगैरह नहीं डालती हूँ खाने में, मुझे अच्छा लगता है पर पापा जी को पसंद नहीं है, वो कहते हैं मुझसे भी पापा के दाद नहीं है ना तो चबाई नहीं जाता, इसलिए मैं डालती नहीं हूँ, वरना गार्निश करने में और हरा धनिया वैसे खाने में टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। सो दाल बन गई है, अब उसको भी थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है मेरा घर खाना रेडी है, खाली अब रात को रोटी और चावल बनेंगे, अब पूजा पाठ वगैरह होगी तो बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस वो बन रहा है रावण, रावण है बेटा वो, सिद्धू कह रहा चीची गोबर है गोबर। तो ये रावण बना रहे हैं शर्मा जी, इसकी हम करेंगे फिर पूजा, तो ना बेबी गोबर है गोबर काओ, हाँ हाँ पापा बना रहे हैं ना, हाँ तो इसकी हम करेंगे पूजा, बाकी बने रहिए ब्लॉग में, दिखाती हूँ जैसे बनता है पूरा।
साथ में बैठ जा सिद्धार्थ तू लड़की थोड़ी ना अरे थोड़ा आगे हो जा भाई अभी लगेगा लड्डू दही का ओ किसमें लगेगा सिद्धू मत्था देखो नीचे आके यहाँ पे आके लेट के मत्था देखो लेटो मत्था देखो नीचे देखो और खड़े होके तीन सब्जी मैं लेनी है
मम्मी ने ले लिया। गाइस पूजा हो गई हमारी रावण की, ये देखो दे, ये लड्डू और दही का भोग लगता है और ये नौरथे चढ़ाए जाते हैं। बाकी जो ये नौरथे हैं ये वहाँ मेले में जाएंगे दशहरा देखने, तो वहाँ चढ़ाए जाएंगे ये रे। बाकी ये गंगा जी में जाएंगे, बाकी रावण है। पूजा संपन्न हो गई है, गर्मी में मर गई, एक गिर गए। अभी बाकी ना गंगा जी जाएंगे और शाम को मेले में जाएंगे। जय सिद्धार्थ भैया माथा टेक रहे हैं। तो ये हो गई है पूजा हमारी, ठीक है। अब देखिए थोड़ी देर के बाद पहुँच गए हैं भाई फैमिली। बाकी आपको बैक कैमरा करके दिखाते हैं। राम राम
तो गाइस ये सब सिद्धार्थ की शॉपिंग हुई, ये मेरी शॉपिंग हुई, मूंगफली और ये लाए थे हम बैठा 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 रुको बैठा अरे मम्मी का वो कहां बाजा ये मेरी शॉपिंग ये लाए थे कैसे लगी शॉपिंग हमारी बता ना छोटी सी हो गया और भगवान जी का भोग रेडी हो गया है दाल चावल लौकी का रायता रोटी आलू गोभी की सब्जी ठीक है तो मैं जा रही हूँ अंदर भोग लगाने अब सॉरी मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि अंदर टीवी चल रहा है फिर कॉपीराइट आएगा इस वजह से सो ठीक है मिलती हूँ बूरा शक्कर जो होती है ना पीसी भी शक्कर बूरा बूरा बोलते हैं तो आज के दिन हमारे यहाँ ये खाया जाता है ये बूरा ऐसे मिला के मुझे तो पसंद नहीं है बट पापा को देने जा रही हूँ पापा खाते हैं इस घर आ गए आके बस मैंने पापा को चाय वाय दी और सिद्धार्थ अपना सारा सामान खोल के बैठ गया और ये देखो क्या क्या लाया था सिद्धू हैं आके इसने अपनी दुकान खोल दी और आई होप सो कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल मेंबर सो बताना आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा और जाते जाते ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ खाना पीना खाएंगे और रेस्ट करेंगे फिर मैं बिग बॉस देखूँगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जनवीन पी शर्मा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और बेस्ट ब्लॉग के साथ मिलेंगे तब तक के लिए बाय गुड नाइट शुभ रात्रि